नमस्कार मित्रों, शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ओपी शास्त्री पुनः एक बार आपके सामने आज लेके आया हूँ पितृ पूजा कैसी होती है, इस पूजा से हमें क्या फल मिलता है, कैसी ये पूजा की जाती है। आजकल हम लोगों का सौभाग्य है कि पितृपक्ष चल रहे हैं, अश्विन मास में जो है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में ये पितृपक्ष आता है। इस पितृपक्ष में हमें भरपूर प्रयास करना चाहिए कि अपने पितरों को खुश कैसे करें, कैसे पितरों की पूजा होती है, पितरों का आशीर्वाद हमें कैसे मिले। वो तब मिलेगा जब हम उनकी आत्मा को तृप्त करेंगे, शांति करेंगे, उनको यदि कहीं अटके भटके ये नहीं कहा जा सकता है कि हमारे पितर लोग वैकुंठवासी हैं, स्वर्ग लोकवासी हैं, मुक्ति धामवासी हैं, हमें काहे के लिए तर्पण करना है। अधिकांश लोग आजकल हम देखते हैं कि पंडित जी हमारे यहाँ तो नहीं होता है, हमने तो गया में जा करके पितरों को बाय बाय करके आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है, गया में जा करके अच्छी बात है, हरि क्षेत्र कृतम पुण्यम, गया में जाकर के वज्र ले को भविष्यति। यदि हम घर में करते हैं तो एक गुना पुण्य, यही पुण्य हम देवालय में जाकर करते हैं 10 गुना बढ़ जाता है, यही हम नदी के किनारे में जाकर करते हैं इतना ही पुण्य तो 100 गुना फल बढ़ जाते हैं, और यही हमारे हरिद्वार में जाकर के करते हैं तो 1000 गुना पुण्य बढ़ जाता है, काम उतना ही होगा, पुण्य में भेद हो जाएगा। और यही जाकर के पुण्य हम गया में जाकर करते हैं तो वज्र ले को भविष्यति, जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ वो पुण्य चलेगा। ये अच्छी बात है कि गया में जा करके, बद्रीनाथ में जा करके, श्री गंगा जी के किनारे में जा करके, हरिद्वार में जा करके ये यदि हम पुण्य करें, पितरों की अर्चना वंदना पूजना पूजन करें तो उस पुण्य की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाते हैं। पर इसका मतलब कतई ये मत समझे कि हमने अब हरिद्वार में जाकर कर लिया, गया में जाकर कर लिया कि पितरों को बाय बाय करके आ जाएं, अब हम घर में नहीं कर सकते। अधिकांश लोग कहते हैं ये भ्रांति है, बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि लोग कहते हैं कि हमने पितरों को तो बाय बाय करके आ गए। अब आप सोचो कि जिन पितरों की वजह से हम धराधाम पर आज जो भी हम मनुष्य रूप में हैं तो उन पितरों को हम बाय घर से भगा करके बाय बाय कर दें। आजकल आपको पता है वृद्धाश्रम बथेरे खुले हैं, इसलिए ही खुले हैं कि लोगों की धारणा ऐसी है कि जितना बस आप जो व्यर्थ के हैं इनको घर से जितना हो सके दूर रखो, और यदि मरने के बाद तो एक बार तर्पण करो और गए में जा करके बाय करके आ जाओ। तो ऐसा नहीं है, तो कोशिश करनी चाहिए गए में जाने के बाद भी आप घर में आकर के हर साल पितृपक्ष में पितरों की पूजना अवश्य में तर्पण होना चाहिए। ये नहीं पुण्यतिथि में तो करना ही चाहिए, जिस समय जिसके पितरों की पुण्यतिथि आती है उस दिन अवश्य करने चाहिए। साथ में पूरे 15 दिन तक, मैं अधिकांश आजकल देख रहा हूँ लोगों के यहाँ हो रहा है, अब कौन सा पितर कब गया है, हमें दादा का पता है, परदादा का पता है, उसके आगे हमें नहीं पता। और एक पुत्र का जन्म तब धन्य है, तब सफल है जब वो 7 पीढ़ियों का तारक बनता है, 7 पीढ़ी आगे का तारक बनता है, वो है पुत्र, उसका जीवन है धन्य। और तब होगा जब आप पूरे निरंतर पितरों की कम से कम इस पितृपक्ष में पूरे 15 दिन जो है पितरों की आराधना करें। एक बात, दूसरी बात, एक भ्रांति और है कि हाँ जी हमारे यहाँ जो हम 4 भाई हैं, एक मुंबई में रहते हैं, दूसरे दिल्ली में रहते हैं, एक कलकत्ता में रहते हैं, अब बड़े भाई ने कर दिया हम नहीं करेंगे, तो क्या आपके पितर नहीं थे? आपको पितरों को आशीर्वाद नहीं चाहिए? आपको वंश वृद्धि, यश वृद्धि, सौभाग्य, संतान की वृद्धि, आपको पितरों की कृपा नहीं चाहिए? आपको चाहिए तो इसका नाम है श्राद्ध। यदि आपके मन में श्रद्धा है, पितरों के प्रति आसक्ति है, पितरों की पूजन करना चाहते हैं, तो अवश्य मैं आपको भी करना चाहिए। इसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अभ्यर्थ की कोई बताते हैं आपको कि नहीं नहीं भाई करते हैं तो छोटे भाई को नहीं करना चाहिए, ये सारी ये विडम्बनाएं हैं, ये भ्रांतियां हैं। इस भ्रांतियों को छोड़ करके आपको भी पितृपूजा करनी चाहिए। तो पितृपूजा से क्या होता है, हमने अभी कुछ समय पहले बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं, इनमें आप जान सकते हैं। यदि हमारे पितृ प्रसन्न हैं तो अन्यत्र हमें किसी के शरण में जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। भगवान को किसने देखा? शायद जवाब यह होगा किसी ने नहीं देखा, लेकिन माता पिता को सबने देखा है, और माता पिता से बढ़कर कोई भगवान होता नहीं है धराधाम पर। और माता पिता को यदि हमने जीते जी उनकी सेवा कर दी और मरण उपरांत यदि उनके लिए तर्पण कर दिया, श्राद्ध कर दिया, इसको कहते हैं ऊर्ध्वदेवी क्रिया, यदि ये कर दी है तो इससे हमें पितरों को गति मिलती है, उनको बल मिलता है, एनर्जी मिलती है, और एनर्जी के साथ साथ में वो फिर आराम से स्वच्छंद होकर के प्रसन्नता से अपने लोक में वास करते हैं, जिस लोक में वो गए हों। जरूर नहीं कह सकते हम स्वर्ग लोकवासी हैं, मुक्ति लोकवासी है, वैकुंठ लोकवासी हैं, अपने कर्मों के अनुसार। कोई स्वर्ग में गया होगा जिसको मुक्ति मिल गई होगी, कोई वैकुंठ लोकवासी बना होगा, कोई पितृलोकवासी बना होगा, या कोई भटक भी रहे होंगे, संभव है। भीत महितम्बा, कोई जाने अनजाने में ऐसे कर्म बन जाते हैं जिसके कारण हम कहीं अटक गए हो, भटक गए हैं, नरकों की यातना झेल रहे हो, यदि इस प्रकार से भी कोई पितर हो तो पू नाम नरक से जो तारने वाला उसका नाम है पुत्र। पुत्र का जीवन तब धन्य है जब अपने पितरों के लिए, चाहे वो किसी भी लोक में गए हो, पू नाम नरक से तारण करने के लिए प्रयास करें। प्रयास क्या करें? इसी प्रकार से तर्पण करें।
श्राद्ध करें, गोदान करें और भी देवालय में जाकर के ब्राह्मणों को तृप्ति करें। इस प्रकार से करने पर जो है पितृ प्रसन्न होते हैं, कहीं अटके भटके गए हैं तो उनको गति मिलती। बताया ना क्यों वो चाहते हैं कि हमारे पुत्र ऐसा करें, क्योंकि वो अब कर्म नहीं कर सकते हैं। केवल बताया ना धराधाम पर एक मानव प्राणी ऐसा है जो कर्म करने में स्वच्छंद है, कर्म कर सकता है। बाकी स्वर्ग लोक में आप कर्म नहीं कर सकते हैं, केवल भोग भोगो। नर्क में भी जाकर आप कर्म नहीं कर सकते, केवल अशुभ भोग भोगो, और भोगने के बाद पुनः धराधाम पे आना है। यहाँ पर यहीं से रास्ता निकलता है मुक्ति धाम का, यहीं से रास्ता निकलता है स्वर्ग धाम का, यहीं से रास्ता निकलता है नरक का। ये डिपेंड हम पे करता है हमने किस लोक में जाना है। तो यदि हमें मानव शरीर मिला है, भगवान की बड़ी कृपा है, उसमें बड़ी कृपा तब है जब मानव होने के बावजूद भी हमें जो है भगवान की कृपा से कोई अच्छा संत मिल जाए, कोई अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा ब्राह्मण मिल जाए, वैदिक ब्राह्मण मिल जाए, तो ये भी एक भगवान की बड़ी कृपा है। ब्राह्मण बथेरे हैं, संत बथेरे हैं, आजकल आपका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप पता है किस प्रकार के संत घूमते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, जिस प्रकार की आपकी भावना होगी, जैसे आपकी थॉट होगी, उसी प्रकार से गुरु संत भी आपसे उसी प्रकार से कनेक्ट हो जाएंगे, उसी प्रकार के मिल जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छी भावना है, श्राद्ध करने का पूरा मन है, अच्छी भक्ति करने का मन है, भगवान में आस्था है, तो घर बैठे ही संत आपको, घर बैठे ही अच्छा ब्राह्मण आपको मिल जाएगा। प्रहलाद को नहीं मिला था जंगल में जाकर के, वहां पर कहां काहे के भगवान, काहे के संत, लेकिन भगवान ने देखा ये भक्त बनना चाहता है और अच्छा भक्त बनना चाहता है, नाराज जी को पुश करते हुए भेज दिया, वहां जाकर उसको ज्ञान दो, इसके गुरु बन जाओ। तो तात्पर्य ये हुआ, जिस प्रकार के आप गुरु भक्ति आपकी होगी, ऐसे ही भक्त, ऐसे ही भगवान की कृपा से आपको संत ब्राह्मण भी मिल जाएंगे। तो ऐसे में अवश्य आपको ये कर्म करना चाहिए। यहां तक कहते हैं नवेद शास्त्रा ध्वनि गर्जितानी स्वाहा सुधाकर विवर्जितानी शमशान तुल्यानि गृहानितानी। जिस घर में वेद ध्वनि न होती हो, ब्राह्मणों के चरण पादुकाएं नहीं पड़ती हो, या स्वाहा सुधाकर नहीं होता हो, देवताओं की तृप्ति के लिए स्वाहा हवन में करते हैं और पितरों की तृप्ति के लिए स्वधा स्वधा इस प्रकार से करते हैं, तो हव्य और कव्य दोनों इस प्रकार से जिस घर में नहीं होते हैं, वो घर घर नहीं है, वो साक्षात शमशान है। तो घर को घर बनाना है तो उसमें भगवान की अर्चना वंदना, पितरों की पूजन ये होना चाहिए, और जीवन को सफल बनाना है, जीवन को पितरों का आशीर्वाद, जीवन में पितरों का आशीर्वाद पाना है, तो अवश्य जो है श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ये तर्पण श्राद्ध कैसे होते हैं। आज हमारे पांडे जी के घर में बड़े उच्च विचारों के हैं, बड़े विनम्र स्वभाव के हैं और खूब पुण्यवान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो इनके पितरों की शांति के लिए इनके यहाँ आज तर्पण कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ये तर्पण होता कैसा है। ज़्यादा लंबी हम वीडियो को नहीं करेंगे, शॉर्ट में आपको बताएंगे। मेरा कहने के उद्देश्य सिर्फ आपको ये है कि इन भ्रांतियों में आप ना पड़े कि हमारे नहीं होता है, उनके यहाँ होता है, हमारे यहाँ केवल ऐसा होता है, उनके ऐसा होता है। वैदिक रीति एक है, बाकी आपकी परंपराएं अलग हो सकती हैं, लोकाचार उसको कहते हैं, लोकाचार अलग हो सकते हैं, लेकिन वैदिक रिवाज, वैदिक विधि एक ही है। कोई वैदिक ब्राह्मण आता है तो तर्पण की जो पद्धति है वो एक ही है, दूसरी नहीं हो सकती है। तो भेद तो अलग लिखा नहीं गया कि महाराष्ट्र का भेद दूसरा है और लखनऊ का भेद दूसरा है, ऐसा तो नहीं है। भेद तो चार ही भेद हैं, वो पूरे भारतवर्ष में चार ही भेद हैं। तो भेद की जो रीति हैं, भेद की जो पद्धति हैं, वो सिर्फ एक हैं। तो तर्पण कैसा होता है, वो वैदिक पद्धति से होता है। ये नहीं कि हम तो केवल चार रोटी निकाल देते हैं, गाय को खिला देते हैं और ब्राह्मण को आकर के जिमा देते हैं, हो गया तर्पण। अच्छी बात है, गाय की भी सेवा होनी चाहिए, ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए, लेकिन पूर्ण श्राद्ध करना है, पूर्ण तृप्ति यदि पितरों के लिए चाहिए करनी है आपको, पूर्ण प्रसन्नता के लिए, उनको प्रसन्न रखने के लिए, पितृ आत्मा को शांति के लिए, या उनसे अच्छा सा आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है, तो उनकी तृप्ति के लिए एक विधि है, ये पितृपक्ष में चलता है। इसका नाम है देव ऋषि और पितृ, देवताओं के लिए भी, ऋषियों के लिए भी और पितरों के लिए भी तर्पण होता है। इसका नाम है पितृ तर्पण। तो आइए जानते हैं ये पितृ तर्पण कैसा होता है, आप जरा ध्यान से सुने। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि आपको भी अवश्य में पुण्य, जहाँ पुण्य की पोटली, तेज दुर्जन सत्संगा भजत साधु समागमा कुरु पुण्य महोरात्रा स्मरण जगदीश्वर, हर हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए कि पुण्य की पोटली मजबूत कैसे हो। जब हम उस लोक में जाएंगे, केवल हमारे पास एक चिप होगी, हमारे दिमाग में लगी होती है कि वो पुण्य की पोटली वाली, वो पुण्य की रेखाएं वाली, वही उसी को कनेक्ट करते हैं धर्मराज जी, और उसी से पता लगता है कि हमने हमारे पास कितना पुण्य है, कितना पाप है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दुर्जनों को सत्संग से दूर रहना चाहिए, सत्संगति में जाने का प्रयास करना चाहिए, और पुण्य ये न केन प्रकारण, कहाँ से बढ़ रहा हो, कैसे बढ़ रहा, सबको पता है कि पुण्य कैसे हो सकता है। किसी को थप्पड़ मारने से पुण्य मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो किसी की सहायता करने से पुण्य मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो सबकी अंतरात्मा को पता होता है कि पुण्य मिलता कैसा है, पुण्य की पोटली बड़ी कैसे करें, बस फर्क यह है कोई करना नहीं चाहता है।
तो ऐसे में हमें प्रयास करना चाहिए कि पुण्य की पोटली मजबूत कैसे हो। मानव जीवन में हमारे साथ यदि चलेंगे तो हमारे पुण्य ही कर्म चलेंगे, और पितरों की कृपा से तो हमारे पुण्य 1000 गुना बढ़ जाते हैं। चला गया था आप समय, तो अवश्य में भी प्रयास करना चाहिए। तो आइए जानते हैं ये पितृ पूजा कैसे होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। चलो पांडे जी हाथ में लो, बाद में वीडियो लंबी हो गई, इसको रखो ऐसे, बोलते ना ऐसे बैठो पितरों के लिए, ऐसा ये लगा दो हाथ में, ठीक है ऐसा, और उस यहाँ से डाल, यहाँ से डालोगे ना तो यहाँ से आएगा बाहर। ये पितृ तीर्थ हैं, आगे ये देव, ये देव तीर्थ होता है, ऐसा करके ऋषि का तीर्थ होता है, और ये इस प्रकार से पितृ तीर्थ, पितृ तीर्थ इस प्रकार से होते हैं जो इनके हाथ में हैं अंगूठे, और इसके मध्य में जो पर्वत हैं जो तीर्थ हैं ये पितृ तीर्थ है। तो यहाँ से हम अपने पितरों को देते हैं, और दक्षिण मुँह कर करके इस प्रकार से बैठते हैं जिस प्रकार से हमारे पांडे जी बैठे हुए हैं, इस प्रकार से बैठे जैसे हनुमान जी बैठते हैं उसी प्रकार से बैठना चाहिए, और तब पितृ पूजा करनी चाहिए। तो अब हम बोलेंगे, आपने बोलना है तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। बोलो ओम काव्यवाट नल त्रिपदा मिदम सतलम जलम गंगोदकम यवोदकम कुसुमै कुसोदकम तिल्लोदकम तीर्थोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम महासोमपा त्रिपदामिदम सतलम जलम गंगोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम महायमस् त्रिपदामिदम सतलम जलम गंगोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम अग्निस्वाहा पितरस्त्रिपदामिदं सतलं जलंगोदकं तेभ्यः, बोलना है तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा। ओम महा हरे ओम महा वरिष्ठ पितरस्त्रिपदामिदं सतलं जलंगोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा। अब अपने तर्पयामि तर्पयामि 3 बार बोलना है। यमाय नमः तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि, धर्मराजाय नमः तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि, अमृतवे नमः तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि, अनंतकाय नमः तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि, वैवस्वताय नमः तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि, ओम कालाय नमः तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि, ओम सर्वभूतियाय नमः तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि, ओम औदुम्बराय नमः तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि, ओम दग्धनाय नमः तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि, ओम नीलाय नमः तर्पयामि तर्पयामि, परमेष्ठिन्ये नमः तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि, विरगोधराय नमः तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि, चित्राय नमः तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि, चित्रगुप्ताय नमः तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि। नमः ओम महा आयन्दोन पितरा सौम्य सौम्य स्वाताः पृथ्वीर्देवयाने अस्मिन् यज्ञे सुदयाः मदन्तो दे भ्रुवन्तो देवन्तस्मान् महा। बोलो आगच्छन्तु मे पितरः इमं गृह्णान्तु जलांजलि यवांजलि कुसांजलि तिलांजलि जलांजलि तीर्थो तीर्थोदकञ्चाः। अद्य अमुगोत्रोत्पन्नः गोत्र बोलो गोत्रोत्पन्नः विनोद नामनोहम, बोलो विनोद नामनोहम, अस्मद पिताः, बोलो स्वर्ग श्रीमान श्री नाम उनका, वसुरूपस्त्रिपदामिदं सतिलं जलं गंगोदकं यवोदकं कुसोदकं तीर्थोदकं तस्मै स्वधाः तस्मै स्वधाः तस्मै स्वधाः। तो मित्रों इस प्रकार से पितृ पूजा होती है, तो आप भी प्रयास करें। हमारा लक्ष्य केवल ये बताना है कि आप किसी भ्रांति में न पड़ करके पितरों की पूजा, पुण्य की पोटली में जो पितरों को प्रसन्न अवश्य करना चाहिए। अपने पितरों को आप ही प्रसन्न कर सकते हैं, देवताओं को आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, लेकिन आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं करेंगे तो और कोई उनको प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसलिए जो है आप पुत्र हैं तो आपको अवश्य ये प्रयास करना चाहिए। तो विस्तार से आपको फिर बता दिया जाएगा, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री राधे।